हाय फ्रेंड, आज आपका हमारे इस नए वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास होंडा की प्रियो गाड़ी आई हुई है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। आप देखिए, तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस गाड़ी की कंडीशन, ये गाड़ी फ्रेंड देखिए, फ्रेंड ये देख सकते हैं, ये हमारा बम्पर, मडगार्ड, हेडलाइट, बोनट, ये टायर, सारे चीज़ें बेंड हो चुकी है। तो फ्रेंड, ये कस्टमर का थोड़ा मिस्टेक होने के कारण से ऐसा हुआ है। रनिंग में चलाते समय डिवाइडर जो रहता है, डिवाइडर के ऊपर इन्होंने चढ़ा दिया है, इसको इसका अभी इसके अंदर क्या क्या डैमेज हुआ है ये टायर खोलने के बाद ही हम आपको बता सकते हैं। फ्रेंड, इसके अंदर क्या क्या डैमेज है, क्या क्या हमें पार्ट चेंज करना पड़ेगा, पहले तो ऊपर से आपको हम दिखाते हैं। बम्पर हम रिप्लेस करेंगे, मडगार्ड भी रिप्लेस करेंगे, बोनट तो रिपेयर हो जाएगा हमारा, हेडलाइट तो हम रिप्लेस करेंगे, और इसके अंदर सस्पेंशन में क्या क्या पार्ट डैमेज है वो हम आपको ओपन करने के बाद ही बता सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या डैमेज है। तो हम आपको ओपन करेंगे, ओपन करके इसमें जो भी डैमेज रहेगा उसे रिप्लेस करके और गाड़ी को प्रॉपर करके, डेंटिंग, पेंटिंग, मैकेनिकल वर्क पूरी तरह से पूरा करके फिर हम आपको फाइनल करके दिखाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो हम इसको ओपन करेंगे, एक एक पार्ट आपको ओपन करके दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या हम रिप्लेस करेंगे, क्या क्या डैमेज है, क्या क्या नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो ये सारी चीज़ें हम ओपन करने के बाद हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको ये टायर खोलते हैं, ये बिल ओपन करके इसके अंदर सस्पेंशन का पार्ट दिखाते हैं कि क्या क्या डैमेज है। अब इसका बिल ओपन कर रहे हैं, बिल ओपन करके आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इसका बिल ओपन किया है। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ये जो सॉकअप आता है, ये देखिए, जो नेकल में टाइट होता है सॉकअप, ये 17 नंबर का बोल्ट, ये यहाँ से टूट चुका है। तो सबसे पहले तो हमें सॉकअप रिप्लेस करना पड़ेगा। ये लिंक रॉड देख सकते हैं, यहाँ से बेंड हो चुका है, ये लिंक रॉड भी हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। ये देख सकते हैं, यहाँ से टेढ़ा हो चुका है ये पोजिशन पर। तो हम आपको ओपन करके दिखाएंगे ये सारी चीज़ें खोल कर। ठीक है, तो ये दो चीज़ तो हमें फिलहाल रिप्लेस करना पड़ेगा, बाकी जो भी है इसका लोरम, इसका कैची का व्हील जॉइंट, वो भी हम ओपन करके एक बार चेक कर लेंगे प्रॉपर तरीके से। ठीक है फ्रेंड, मेन प्रॉब्लम इस सॉकअप का है, सॉकअप के बोल्ट टूटने की वजह से टायर बेंड हो गया है। तो हम सस्पेंशन ओपन करेंगे और ओपन करके आपको फुल डिटेल देंगे। ठीक है, और जो भी रहेगा इस गाड़ी में उसे पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से फिट करके, रिप्लेस करके, इसे प्रॉपर तरीके से हम गाड़ी को तैयार करके फाइनल आपको दिखाएंगे। फ्रेंड, हमने इसके सारे सस्पेंशन के पार्ट ओपन कर लिए हैं, तो इसमें फ्रेंड क्या क्या रिप्लेस करना पड़ेगा वो हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं, देखिए, ये देखिए, ये जो सॉकअप का जो हिस्सा है बोल्ट का, ये पूरी तरह से टूट चुका है। देखिए दोनों बाजू से इस तरह आता है पैक, मार लगने के कारण यहाँ से टूट चुका है, ये देख सकते हैं। तो हमें सॉकअप रिप्लेस करना पड़ेगा, और ये लिंकेज देख सकते हैं आप, ये देखिए यहाँ से ऐसा बेंड हो गया है, तो हमें लिंकेज भी रिप्लेस करना पड़ेगा। और ये लोरम आप देख सकते हैं, जहाँ नेकल में लगता है ये पोजीशन ऐसा बेंड हो गया ऊपर की तरफ, यहाँ से इतने हिस्से में, तो हमें लोरम भी रिप्लेस करना पड़ेगा। लोरम, लिंकेज और सॉकअप, ये तीन आइटम हमें इसे रिप्लेस करना पड़ेगा। नेकल तो चलेगा, नेकल बेंड नहीं है, तो नेकल को हम यही फिट करेंगे, सिर्फ इसमें लिंकेज, लोरम और सॉकअप, तीन आइटम को रिप्लेस करेंगे सस्पेंशन के पार्ट में। ठीक है फ्रेंड, और अभी डेंट के पार्ट में क्या क्या करेंगे वो अब हम खोलना चालू करेंगे एक एक पीस, क्योंकि हमारा सर्वे का कल सर्वे आया था, सर्वे करके गया है और हमें बोला है कि खोल के आप चेक करके जो जो भी पार्ट गया है आप बताइए, तो हम सब सारी चीज़ें खोलेंगे और उसे ओपन करेंगे, और ओपन करके फिर हम आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या क्या हम रिप्लेस करेंगे डेंट के काम में, और क्या क्या हमें डेंट करना पड़ेगा। फ्रेंड, आप देख सकते हैं ये हमारा डेंटिंग का काम चालू है, हमें बम्पर इंश्योरेंस वाला ने न्यू का अप्रूवल नहीं मिला, तो इसके लिए हम जुनाई बम्पर को रिपेयर कर रहे हैं, रिपेयरिंग का मिला है अप्रूवल, तो इसके लिए हम बम्पर रिपेयर कर रहे हैं। देख सकते हैं इसका मडगार्ड का मिला है नया डालने का, तो ये हम नया डालेंगे, हेडलाइट भी नया डालेंगे और फेंडर लाइनिंग गोला भी नया डालेंगे, सिर्फ बम्पर इसका रिपेयर कर रहे हैं। और इसका सस्पेंशन का पार्ट्स भी हमें अप्रूवल हो गया है,
तो इसका सॉकअप, कैची और लिंक रॉड, ये तीन आइटम हम सस्पेंशन में रिप्लेस करेंगे। ये जो भी पार्ट्स हम अरेंज कर लिए हैं, ये इसका लोरम है लेफ्ट साइड का जो हमारा बेंड हो चुका था, ये भी हम रिप्लेस कर रहे हैं। ये हमारा स्टेबलाइजर लिंकेज है नया वाला, ठीक है। और ये हमारा सॉकअप है, देख सकते हैं यहाँ से हमारा टूटा हुआ था, इसका जूना सॉकअप लेके आइए। ये देखिए फ्रेंड, इसका जूना सॉकअप, ये देखते हैं बोल्ट का जो हिस्सा है पूरी तरह से टूट चुका था, तो हमने सॉकअप रिप्लेस किया है, ठीक है। ये हमारा नया वाला सॉकअप है, ये देख सकते हैं। तो फ्रेंड, अब इसका सॉकअप और लिंक रॉड और लोरम, ये तीन आइटम हम इसमें रिप्लेस करेंगे और आपको अभी फिटिंग करके दिखाते हैं फाइनल करके, ठीक है। फ्रेंड, हम इसका सॉकअप फिट कर रहे हैं, ये देख सकते हैं। इसका हमने ऊपर का जो सॉकअप का बाटी आता है वो भी रिप्लेस किया है, थोड़ा सा हाथ हटाइए, ये देख सकते हैं। इसका सॉकअप का ऊपर का बाटी है, ये भी हमने रिप्लेस कर दिया है, ये भी बेंड हो गया था, ऐड कीजिए, ठीक है फ्रेंड। तो सबसे पहले हम सॉकअप फंसाएंगे, इसके बाद इसका नीचे का जो लोरम आता है कैची जिसे कहते हैं वो फंसाएंगे, और उसके बाद बाकी जो नेकल वक्कल है ब्रेक पेड सब फंसा के आपको फाइनल करके दिखाते हैं, ठीक है फ्रेंड। पहले हम सस्पेंशन का जो काम है वो उसको फाइनल कर लेंगे, उसके बाद जो हमारा थोड़ा बहुत डेंटिंग का काम बचा है क्योंकि इसका मडगार्ड हमें अवेलेबल नहीं हुआ है अभी, तो मडगार्ड अवेलेबल करके। तो फ्रेंड, हम इसका लोरम फिटिंग करना चालू कर रहे हैं, देख सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका हमने लोरम और सॉकअप फंसा दिया है, अब इसका नेकल फिट करने जा रहे हैं। नेकल लगाइए, ठीक है फ्रेंड। तो इसका नेकल लगा कर और इसको टाइट करके और उसका इसका जो कैलिपर है, ब्रेक पैड है, वो सब टाइट करके फाइनल करके हम आपको दिखाते हैं, ठीक है फ्रेंड। फाइनल होने के बाद अब हम आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि हमारा डेंटिंग का काम था, डेंटिंग का काम भी पूरी तरह से फाइनल हो चुका है, ये देख सकते हैं इसका लाइन लेवल। अब हमारा पेंटिंग का काम बाकी है, ये देख सकते हैं बम्पर का फिनिशिंग विनिशिंग, ये हेडलाइट हमने नया डाला हुआ है, देख सकते हैं। तो फ्रेंड, इसका सस्पेंशन का भी काम हो चुका है, देख सकते हैं टायर का पोजीशन, खाली इसका अलाइनमेंट करना बाकी है, तो अलाइनमेंट हम रस्सी से कर रहे हैं, ये देख सकते हैं हमने रस्सी लिया हुआ है, अब रस्सी से इसका अलाइनमेंट चेक करेंगे, अलाइनमेंट चेक करके सेट करके एक बार थोड़ा टेस्ट ड्राइव ले लेंगे और उसके बाद फिर हमारा पेंटिंग का काम जो है वो चालू करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो इसका पेंटिंग का काम जब हम चालू करेंगे तब हम आपको दिखाते हैं, अभी हम अलाइनमेंट सेट कर रहे हैं। हम इसका अलाइनमेंट सेट कर रहे हैं, तो जरा राइट मारिए सर, राइट मारो, राइट, हाँ छोड़ो, मार के छोड़ो, हल्का लेफ्ट मारो और थोड़ा थोड़ा सा। तो फ्रेंड, देख सकते हैं आप, ये हमारा लेफ्ट साइड का है, अलाइनमेंट एकदम बराबर, देखिए दोनों बाजू रस्सी टच होना चाहिए, ये टच है। अब इसी पर अगर हम राइट साइड का देखेंगे, देख सकते हैं फ्रेंड, इतना हमारा आउट है। तो ये साइड का हम एंड थोड़ा बॉल जॉइंट से बाहर लेंगे दो थ्रेड, और बाहर लेके इसको प्रॉपर मैच करके तब लगाएंगे, देख सकते हैं इतना गैप है इधर, ये दोनों बाजू रस्सी आपका टच होना चाहिए तो आपका अलाइनमेंट बराबर होएगा। ये देखिए इस प्रकार, जिस प्रकार टच है उस प्रकार से इधर भी टच होना चाहिए टायर में, ठीक है। तो हम बाहर लेते हैं, अलाइनमेंट चेक करते हैं, फिर आपको बताते हैं, बन कीजिए। देख सकते हैं फ्रेंड, तो ये हमारा राइट का है, हमने एंड को थोड़ा बाहर लिया है क्योंकि ये साइड से हमारा आउट था, तो हमने इधर का बराबर कर दिया। अब लेफ्ट साइड का एक बार फिर से चेक करेंगे, हमारा लेफ्ट साइड का भी बराबर है, इधर थोड़ा सा अंदर है, थोड़ा सा एक थ्रेड हम ना के बराबर बाहर लेंगे, फुल राइट इंजीनियरिंग मान, सीधा करो, देख सकते फ्रेंड, ये हमारा दोनों साइड अलाइनमेंट बराबर है,
ये देख सकते हैं यहाँ भी टच हो रहा है, यहाँ भी टच हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा राइट का है, हम लेफ्ट साइड का भी आपको दिखाते हैं। तो देखिए ठीक है, ये हमारा लेफ्ट साइड का, देखो दोनों इसमें टच होना चाहिए बराबर। तो यार हमारा अलाइनमेंट प्रॉपर तरीके से पूरा हो चुका है, ठीक है। अब इसको जो हमने एंड का नट जो लूज किया था उसे फाइनल टाइट कर देंगे, और इसका टेस्ट ड्राइव लेके स्टीयरिंग सीधा करके फिर गाड़ी को फाइनल कर देंगे। अलाइनमेंट का काम पूरा हो चुका है, ये देख सकते हैं हमारा दोनों टायर, ये जो लेफ्ट साइड का टायर है देखिए एकदम सीधा पोजीशन में है, ये हमारा राइट साइड का भी टायर देखिए एकदम सीधा पोजीशन में है। हम इसका स्टीयरिंग भी दिखाते हैं, ये देखिए हमारी स्टीयरिंग भी एकदम प्रॉपर तरीके से सीधे सीधे पोजिशन में है। फिर भी हम फ्रेंड एक बार इसका टेस्ट ड्राइव ले लेंगे, क्योंकि क्या है ट्रायल लेने के बाद थोड़ा हमारा जो स्टीयरिंग है थोड़ा 19-20 हो जाता है, तो इसका हम एक बार टेस्ट ड्राइव लेंगे, ठीक है। तो हमारा अलाइनमेंट भी हो चुका है, अलाइनमेंट करने के लिए हमने जो स्टीयरिंग का टायर रॉड का जो लॉक नट आता है उसे लूज किया था, लूज करके ही इसका स्टीयरिंग का एंड जो है आप स्टीयरिंग अंदर बाहर ले सकते हैं, तो उसे भी हमने फाइनल लॉक कर दिया है। तो फ्रेंड इसमें हमारा सस्पेंशन का काम भी ओके हो चुका है, डेंटिंग का काम भी ओके हो चुका है, सिर्फ इसमें बचा हुआ है हमारा पेंटिंग का काम। तो पेंटिंग का काम भी अब हम चालू करेंगे, ठीक है। और पेंटिंग का काम चालू करने के बाद फिर हम आपको पेंटिंग का काम का भी थोड़ा डिटेल देंगे, और उसका फाइनल होने के बाद भी हम आपको इसको बताएंगे। तो जैसा कि आप फ्रेंड देख सकते हैं, ये हमारे ब्रियो गाड़ी में लामी पुट्टी का काम हो चुका है, अभी अस्तर मार कर इसको छोड़ा गया सूखने के लिए, क्योंकि फ्रेंड क्या है बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में अगर तुरंत अस्तर और लामी वामी आप भर कर और तुरंत पेंट मार देते हैं तो आपका वो जो पपड़ी बन के गिरने लगेगा कलर, इसके लिए हम इसको छोड़े हैं सूखने के लिए। तो इसको कम से कम 2-2.5 घंटा इसे ही छोड़ेंगे सूखने के लिए, और उसका जब ये पूरी तरह से प्रॉपर सूख जाएगा उसके बाद इस पर फाइनल पेंट हम मारेंगे, और पेंट मारते समय हम आपको दिखाएंगे। अभी देख सकते अभी अस्तर मार कर हमारा छोड़ा गया है, ठीक है फ्रेंड। ये फुल एक्सीडेंट गाड़ी था, वो हमने आपको पहले दिखाया था कितना एक्सीडेंट डैमेज था ये। देख सकते फ्रेंड अभी भी बारिश हो रही है, ये देखिए इसके लिए इसे हम थोड़ा 2-3 घंटा छोड़ेंगे सूखने के लिए। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं ये हमारा पेंटिंग का काम चालू है, ये हमारा पेंटिंग हो रहा है। देख सकते हैं फ्रेंड ये हमारा पेंटिंग का काम चालू है, ये फाइनल कोट मारा जा रहा है, डबल कोट, एक कोट मार दिया पहले से, अभी दूसरा कोट फाइनल मारा जा रहा है। तो फ्रेंड ये हमारा बोनट फाइनल हो चुका है, अब इसी प्रकार हम बम्पर को फाइनल मारेंगे। देख सकते हैं यह हमारा बम्पर हो रहा है, पेंट का लाइट देख सकते हैं फ्रेंड किस तरह लाइट मार रहा है। यह हमारा बम्पर भी फाइनल हो चुका है, अब इसका जो मरगढ़ है लेफ्ट साइड का उसे मारेंगे और दरवाजे को मारेंगे, तो ये हमारा गाड़ी पूरी तरह से फाइनल हो जाएगा। फिर ये पेंट सूखने के बाद फिर इसका हम कल हेडलाइट लगाएंगे, और इसको प्रॉपर तरीके से इसका जो इंडिकेटर लाइट है वो लगाकर इसको फाइनल कर देंगे। देख सकते फ्रेंड ये अब हमारा दरवाजा मारा जा रहा है, लेफ्ट साइड का डोर। तो फ्रेंड ये गाड़ी हमारी पेंटिंग का काम भी पूरी तरह से प्रॉपर ओके हो चुका है,
ठीक है। अब हम इसको ऐसे ही सूखने के लिए छोड़ देंगे आज पूरा दिन, और कल सुबह इसका जो भी ओपन हमने किया है उसे फिटिंग करना चालू करेंगे। अब हम इसका जो भी पार्ट ओपन किए थे उसे फिट करना चालू कर रहे हैं। हमने इसका हेडलाइट फिट कर दिया है, देख सकते हैं बम्पर भी लगा दिया है। अब इसका जो फेंडर लाइनिंग गोला है वो भी हम रिप्लेस करने वाले हैं, क्योंकि मार लगने के कारण वो पूरी तरह से टूट चुका था, तो अब हम लगाने जा रहे हैं। वो लगाने के बाद इसका इंडिकेटर का एक देखिए कि इसके इंडिकेटर एक लेफ्ट साइड का लगाने का है, वो बाकी है। तो सबसे पहले तो हम इसका फेंडर लाइनिंग गोला लगा लेते हैं। और गोला लगा ठीक है फ्रेंड, तो गोला लगाने के बाद फिर हम इसको एक बार इसका व्हील व्हील लगा देंगे, व्हील लगा कर डाउन करके, और उसके बाद से इसको चार पीस जो हमने पेंट किया उसे पूरी तरह से पॉलिश करके और पूरी गाड़ी को वॉश करके फिर कस्टमर को डिलीवरी दे देंगे। तो इसको हम एकदम पूरी तरह से जब फाइनल कर लेते हैं तब हम आपको दिखाते हैं। फेंडर लाइनिंग गोला लगा लेते हैं, व्हील लगा लेते हैं, उसका कंप्लीट होने का फिर आपको हम बताते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इसका फेंडर लाइनिंग का गोला भी हमारा लग चुका है, मड प्लेट भी हमने लगा दिया है, हमारा हेडलाइट बम्पर वम्पर सब फिट हो चुका है, नंबर प्लेट भी लग चुका है देख सकते हैं। फ्रेंड हमने इसका मिरर भी ओपन किया था ये पीस पेंट करने के लिए, देख सकते हैं इसका कवर, तो मिरर भी हमारा फिटिंग हो चुका है। सिर्फ साइड का जो कवर बाकी है वो लगाना बाकी है, वो लगा रहे हैं। बंद कर दीजिए। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, बनोर बंद करो। हमारा डेंटिंग पेंटिंग का काम पूरी तरह से फाइनल हो चुका है, तो अब हम इसका टेस्ट ड्राइव लेंगे, और टेस्ट ड्राइव लेने के बाद उसके बाद इसको पूरी तरह से वॉश करेंगे। पहले हम टेस्ट ड्राइव लेके चेक करेंगे कि फ्रेंड हमारा जो एक्सीडेंट होने के कारण हमारा गाड़ी राइट लेफ्ट तो नहीं जा रहा है, गाड़ी में बबलिंग वबलिंग तो नहीं है, क्योंकि लेफ्ट साइड में पूरा मार लगा था तो सस्पेंशन पे इफेक्ट हुआ था, तो उसके लिए हम इसका टेस्ट ड्राइव लेना ज़रूरी है। तो हम इसका एक टेस्ट ड्राइव लेंगे, और टेस्ट ड्राइव लेकर और उसे चेक करेंगे, अगर हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा रनिंग में तो हम इस गाड़ी को पूरी तरह से वॉश करके और कस्टमर को डिलीवरी दे देंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं हमारा जो भी था फिनिशिंग विनिशिंग हेडलाइट का, बम्पर का, ठीक है फ्रेंड। तो अब हम इसे टेस्ट ड्राइव के लिए लेके जा रहे हैं, टेस्ट ड्राइव लेके आते हैं, और उसके बाद इसको पूरी तरह से वॉश करके अच्छे से फिर कस्टमर को डिलीवरी करेंगे। हम इसको वॉश कर रहे हैं पानी मारकर, ठीक है फ्रेंड। इसको वॉश करके थोड़ा अच्छे से टकाटक करके, और उसके बाद हम एक छोटा सा टेस्ट ड्राइव लेंगे, और टेस्ट ड्राइव ले करके कस्टमर को डिलीवरी दे देंगे। देख सकते हैं ये हमारा गाड़ी लेफ्ट साइड से पूरा एक्सीडेंट था, हमने इसका जो भी एक्सीडेंट पार्ट था उसको रिप्लेस करके इसको जैसा प्रॉपर होना चाहिए वैसा हमने किया है। तो फ्रेंड हम इसका अभी छोटा सा एक टेस्ट ड्राइव लेंगे, और टेस्ट ड्राइव लेके फिर उसके बाद कस्टमर को गाड़ी डिलीवरी दे देंगे, ठीक है फ्रेंड। तो अब हम टेस्ट ड्राइव के लिए जा रहे हैं। तो अंसारी जी हम इसका टेस्ट ड्राइव लेके आते हैं, जरा चेक करके आते हैं कि हमारा स्टीयरिंग लेफ्ट राइट में किधर जा तो नहीं रहा है, कोई बबलिंग वबलिंग तो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब छोटा सा टेस्ट ड्राइव लेके आते हैं। मनोज जी कोई बबलिंग वगैरह है? नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हमारा गाड़ी पूरी तरह से प्रॉपर ओके है, ना बबलिंग है, ना हमारा गाड़ी राइट जा रहा है, ना लेफ्ट जा रहा है, ठीक है। ये हमारा गाड़ी ओके है, खाली इसको अच्छे से पूरा साफ कर दीजिए, जो कस्टमर को डिलीवरी देना है, ठीक है। अच्छे से पूरा गाड़ी को वॉश करके पूरा मेटीरियल निकाल के साफ कर दीजिए, ठीक है। तो ये गाड़ी हमारा होंडा ब्रियो था, जिसका हमने डेंटिंग पेंटिंग का काम किया था, गाड़ी फुल एक्सीडेंट था लेफ्ट साइड से, वो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, ठीक है फ्रेंड। तो अगर आपको हमारे इस गाड़ी का डेंटिंग पेंटिंग का काम थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करना ना भूलिए।